विधानसभा चुनाव के पहले शहर में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में संगठन को लेकर बड़ा असंतोष उभर कर सामने आया है। रविवार रात यहां आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में भीम आर्मी नेता व कांग्रेस पार्षद पति दीपक जैलिया, नगर पालिका के सहवरित पार्षद मनीष खिंगट के साथ वाल्मीकि, रेगर व मेघवाल समाज के करीब 200 युवा कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधायक मदन दिलावर, भाजपा नेता हीरालाल नागर व जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल आदि ने सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। इस मौके पर विधायक दिलावर व भाजपा नेता नागर ने कहा कि भाजपा की रीति नीति सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रही है। भाजपा ने अखंड भारत का जो सपना देखा है वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है, एससी वर्ग का इस पार्टी ने कभी भला नहीं किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा, उप प्रधान ओम अडूसा, प्रतिपक्ष नेता रामावतार वर्मा, पार्षद जितेंद्र घेंगट समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान एससी वर्ग से जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। इन 5 सालों में बजरी की कमी से दिहाड़ी मजदूर रोजी रोटी के संकट से परेशान रहे। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने भी एससी वर्ग के कार्यकर्ताओं के उत्थान की बातें तो खूब की, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति खासी नाराजगी है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।